Hey friends, once again welcome back to my channel. उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत मजे से होंगे. So और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये हिमाचल सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी. और टुडे वी आर गोइंग अगेन डाउन टू द मार्केट. थोड़ा सा काम था पापा को तो इसलिए आज मैं उनके साथ मार्केट जा रही हूँ. बहुत धूप हो चुकी है, 10:30 हो चुके हैं और बिल्कुल मन नहीं करना जाने को क्योंकि बहुत नीचे जाना पड़ता है फिर ऊपर आना और बहुत ही मतलब एक स्ट्रगल है ये सच्ची में. बट एनी हाउ जाना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते, देर इज़ नो ऑप्शन. मेरा जाना ज़रूरी है उनके साथ क्योंकि उनको कुछ बैंक का काम है, कुछ ATM का काम है जो उनको मुझे समझाना भी है जाकर कि कैसे ऑपरेट करना है. तो चलिए चलते हैं और आप भी देखिए कि इतनी धूप में जाना कितना मुश्किल है. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ से तिल मिलाती हुई धूप में हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया मार्केट के लिए. तो चलिए चलते हैं. और अभी सुबह के वक्त तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी तो इसलिए हमें नीचे उतरने का बिल्कुल भी पता नहीं चला. बट जब हम वापस आए तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और आपको मालूम ही है कि पहाड़ों की धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है. और बिना वक्त गंवाए हमने जो भी काम करने थे बैंक के और जो भी शॉपिंग के वो हमने किए और हम वापस चल दिए घर की ओर. बट जाते जाते जो है मेरी नज़र पड़ी एक शॉप की ओर जो कि हमारे ही चाचा जी की थी और वो थी उनकी गन्स की शॉप जो पूरे एरिया में इकलौती एक शॉप थी गन्स की. तो मुझे लगा कि लेट्स एक्सप्लोर इट, क्या स्पेशल है इन गन्स के अंदर और क्या नहीं, क्योंकि इससे पहले 70 हाँ गाँव खड़े होने ये करने पड़े होने. अच्छा ये मंडी से बनकर आती हैं? मंडी से, कोई जम्मू से. अच्छा ऐसे है. और ये ब्लैक वाली भी बड़ी अच्छी लग रही है. ये तो एयर गन है. अच्छा इसका लाइसेंस नहीं होता है, ये कोई भी ले सकता है. ये भी 15,000 की है. अच्छा ये ऐसे उड़ाने उड़ाने की है जो ऐसे और रखी है मैंने वो. अच्छा कोई 10 की है कोई 6. अच्छा इस तरफ भी अंदर गन है. अच्छा ऐसे एयर फायर करने के लिए जो है इस तरफ की है, बढ़िया है अंदर. अच्छा ये काफी सॉलिड लग रही है ये बोले ना. हाँ ये मंडी की है. ये कितनी की बताई आपने? ये 45 की है ये. अच्छा ये इसका इंडियन ऑर्डिनेंस कंपनी रखती है ना, ये उसकी सेकंड है ये. अच्छा ये ऐसे लोग अपनी सेकंड हैंड भी दे जाते हैं ना? ले जाते हैं कई बार. हाँ तो अच्छी बात है, कई दे गया और ये सेकंड हैंड भी. ऐसा होता है ना, हर बार नहीं बिकती है ये, बंद रखी है ये. जैसे वो गन है ना वो बेल्जियम की है डाल बैर. अच्छा ये जो सिंगल पड़ी है. हाँ सिंगल पड़ी है. अच्छा ये अच्छा वाह ये दो ही किस्म के इनके पास ये. अच्छा ये लंबे वाले होते हैं ये अस्त्रम बोलते हैं मैगनम. अच्छा इस क्वालिटी वाइज कैसे होते हैं? हाँ क्वालिटी वाइज ये ज्यादा अच्छे कि ये ज्यादा अच्छे? ये ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा अच्छा होता है. ये कितने का? 120 रुपए इसकी. 100 रुपए 120 का एक, एक, एक सिंगल. हाँ सिंगल बुलेट सिंगल. अच्छा हाँ और वो जो छोटी छोटी होती हैं गोलियां वो कौन बिकती है? अच्छा, वो छोटे पिस्टल में डलती है. वो पिस्टल में डलती है जो होते हैं ना छोटे पिस्टल बत्ती वो. अच्छा गन्स के बारे में सारी नॉलेज लेने के बाद हम चल पड़े वापस घर को. और मुझे सीरियसली नहीं पता था गाइस कि गन्स इतनी महंगी होती हैं और एयर गन भी इतनी महंगी हो सकती है. आई नेवर एवर थॉट. आई
cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. So friends, बहुत धूप हो गया है और पापा को भी बहुत गर्मी लग रही है और ये आप रास्ता देख ही सकते हैं. इसे कहते हैं रियल एडवेंचर और रियल में दिस इज कॉल्ड अ रियल ट्रैक. तभी मैं आपसे कहती हूँ पहाड़ों की लाइफ जो है वो देखने में जितनी फैसिनेटिंग हमें लगती है ना वो उतनी होती नहीं है एक्चुअली में. शिमला मसूरी जैसी जगहों पर तो आपको पता है एवरीथिंग इज एक्सेसिबल और हिल स्टेशन हैं तो इसलिए टूरिस्ट प्लेस है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती. बट ये कुछ विलेजेस जो इतने दूर दूर बसे हुए हैं टोटली कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम वहाँ तक पहुँचना और उनकी डेली लाइफ खुद में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है. सो गाइस आई एम कम्प्लीटली टायर्ड. वहाँ से आए और अभी पापा रास्ते में हैं. बहुत तेज़ धूप है, 12 बज गए हैं और बस हो गया है. शाम को आना तो फिर ठीक है बट इस वक्त आना जो है वो बहुत मुश्किल है. फिलहाल आम के पेड़ की छाया में बैठे हैं. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये हमारा रेस्टिंग पॉइंट है. पेड़ कितने ज़रूरी हैं अब रियलाइज़ होता है. सीरियसली ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज सीरियसली. फ्रेंड्स फाइनली एट होम. और इतनी टायरिंग जर्नी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर नीचे आना जो है बहुत एग्जॉस्टिंग रहा. तो आते ही बस ये था कि भी बस ठंडा चिल्ड वाटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. खाना खाया और मैं सो गई, दैट्स ऑल व्हाट आई डिड. और अब चाय पी चुकी हूँ और अब थोड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है. खाना पीना सब हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. टिल देन बाय बाय.